अब बेटा एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 2। इफ द मीडियन, गुड आफ्टरनून बेटा, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। क्लास इंटरवल 0 to 10, फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 to 20 एक्स है, 20 to 30 20 है, 30 to 40 15 है, 40 to 50 वाई है एंड 50 to 60 5 है, और टोटल कितना था 60 था। ओके क्या गिवन दिया बेटा, दैट इज मीडियन, मीडियन इज गिवन। तो पहले हम इस टेबल को बना लेते हैं। 0 to 10 जो है ना बेटा, ये कितना था 5, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा 5 होगा। 10 to 20 एक्स है, तो 5 प्लस एक्स। उसके बाद 10 to 30 20 है, तो 20 प्लस 5 25 प्लस एक्स। 30 to 40 15, 15 प्लस 20 40 प्लस एक्स। 40 to 50 में वाई है, तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई। 50 to 60 में 5 है, ओके 50 to 60 में 5 है, तो 40 प्लस 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और टोटल कितना है दैट इज 60 है। ओके और मीडियन यहाँ पे क्या है 28.5, मीडियन मीन्स 28.5। बेटा अभी तक तो किसी ने सेंड किया, किसी ने अभी तक तो सेंड किया बेटा व्हाट्सएप में आंसर, कि फाइनल में कर दे रहा हूं 14.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा नहीं 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 टाइम तो उसका खत्म हो गया। 28.5 ये मीडियन था। तो अभी देखो n बाय टू 60/2 दैट इज 30, n बाय टू 30 के बराबर है। मीडियन 28.5, 28.5 किस में रहेंगे, इसके बीच में रहेंगे 28.5। ओके मीडियन इज 28.5, देयरफॉर मीडियन क्लास इज, ये देख 28.5 इसमें ना, तो ये वाला मीडियन क्लास होगा 20 to 30। देयरफॉर लोअर लिमिट एल इक्वल्स टू 20। उसके बाद एच इक्वल्स टू व्हाट, दोनों के बीच में जो डिफरेंस 10। क्लास साइज एन बाई टू 30 है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाली। तो अभी देखो जो मतलब मीडियन क्लास होती है उसका फ्रीक्वेंसी लेते हैं, और जो इसके ऊपर वाले का क्या लेते हैं, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा 20, फ्रीक्वेंसी विल बी 20, फ्रीक्वेंसी विल बी 20। और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो, ये वाला मीडियन क्लास है ना, ये वाला मीडियन क्लास, मीडियन क्लास में जो मतलब फ्रीक्वेंसी लेते इसके ऊपर वाला क्या होता है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 5 प्लस एक्स हुआ। अभी देखो दूसरा, इस टेबल में एन के वैल्यू 60 था, तो सबको सम करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। अभी अभी जो ज्वाइन किए उन लोग को और एक बार बता रहा हूं बेटा, 14.3 का हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं, 14.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। जिन लोग आते हैं उन लोग जल्दी से सेंड कर दो, और सेंड इसमें करोगे इस वाले व्हाट्सएप नंबर में 7895496397 में। ओके तो अभी देखो इसका सम जो करेंगे वो कितना आएगा 60, सम करते हैं। नाउ 5 + x + 20 + 15 + y + 5 = 60। देयरफॉर ये कितना x है, ये वाला y है, तो ये दैट इज कितना हो जाएगा 40
45 प्लस ए कितना होगा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना आया, 15 आ गया। आई मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू कितना दिया था बेटा, 28.5। मीडियन क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच। जिन लोग को पता नहीं उन लोग थोड़ा देख लो, और मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू एच। एल का वैल्यू कितना, 20, एन बाई टू कितना, दैट इज 30, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना, 5 प्लस एक्स, एफ कितना, दैट इज 20, एच कितना, दैट इज 10, तो 28.5। अभी ये तो 2 से काट जाएंगे, ये उधर चला जाएगा, तो 20 प्लस ये वाला 30 माइनस 5 माइनस एक्स, तो कितना होगा, 25 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 28.5। फिर और एक बार देखते हैं, 25 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 28.5 माइनस 20, तो 25 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 इन टू, ये जो पहुंच जाएंगे 8.5। तो 25 माइनस एक्स इक्वल्स टू 17 हो गया है? तो माइनस एक्स इक्वल टू 17 माइनस 25 माइनस 8, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हुआ, 8 हुआ। Therefore, ये देखो इसमें पुट कर दो, x के वैल्यू 8, तो y के वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी therefore y इक्वल्स टू ये जो है ना 15 माइनस 8, दैट विल बी 7। तो x का वैल्यूज हो गया तुम्हारा 8 और y के वैल्यूज हो गया 7। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में भी यही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इज इट क्लियर? अभी देखते हैं कौन कौन बच्चे को आया, कौन कौन बच्चे को नहीं आया, यस और नो लिख दीजिए। हाँ बेटा, इज इट क्लियर और नॉट, लिख दीजिए बेटा जल्दी से।